दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। प्रातः काल से ही पूरे उत्तर प्रदेश में सभी कार्यकर्ता अपने घरों से निकल करके स्वच्छता अभियान में भागीदारी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को स्वच्छता का वातावरण देने के लिए घरों से निकल करके जन जन को जोड़ करके एक बड़ी मुहिम छेड़ने का काम किए हैं। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा में भागीदारी करके प्रदेश को स्वच्छ व प्रदेश को एक बेहतर वातावरण देने का काम करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई है, जिसमें स्वच्छता के अभियान को सबसे पहले लिया गया है। आज हमारे महानगर लखनऊ के भाजपा के अध्यक्ष जी आनंद जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे पार्षदगण भी स्वच्छता अभियान की साधराज जी की प्रतिमा के सामने से यह शुरुआत हुई है और आज यह कार्यक्रम प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ देश को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश को नेतृत्व प्रदान करने का जो कार्य है वह मजबूती से करते रहें, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उनके जन्म दिवस की यहाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, वो यशस्वी हो और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तरक्की करे। उन प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को समृद्धशाली बनाने का, भारत को सशक्त बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता आज स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर में सहभागिता प्रकट करके इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा है, सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी का जन्म दिवस के रूप में सेवा पखवाड़ के रूप में मनाया जा रहा है और आदरणीय मोदी जी की एक तपस्या है, एक तप, कम आयु में ही एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी पिताजी का सहयोग करते थे, स्वयं चाय बेचते थे और बचपन में ही संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य शुरू कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के रूप में, देश के नेता के रूप में और ऐसे ऐसे स्थानों का उनको प्रभार था, इनकी जिम्मेदारी थी, फिर भी वहां कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना। कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने एक एक जिले का भ्रमण कर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर और आप देखे होंगे मुख्यमंत्री के रूप में भी बनने के बाद एक गुजरात को उन्होंने